और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं और यही वजह है कि जो क्राइम का ग्राफ है उत्तर प्रदेश में वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की बागडोर संभाले हुए हैं। बिल्कुल, संत कबीर नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को दो टूक चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, सुनवाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को दो टूक चेतावनी दी है। संत कबीर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा। वो भाग नहीं पाएगा, एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। सीएम योगी ने संत कबीर नगर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खोलने की बात पर जोर दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। सीएम योगी ने कहा कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू होगी।